23 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते में भी बाजार में कमजोरी जा रही रही। ग्लोबल मार्केट में कमजोरी के बीच सेंसेक्स और निफ्टी 1% की गिरावट के साथ बंद हुए। यूएस फेड और दूसरे बड़े सेंट्रल बैंकों की तरफ से ब्याज दरों के संकेत की वजह से भारत सहित दुनिया भर के बाजार पर दबाव देखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते निफ्टी 17,400 से 17,500 पर स्थित अपने अहम सपोर्ट से नीचे फिसलता नजर आया और 1.16% की गिरावट के साथ किसी तरह 17,300 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते निफ्टी 17,327 के स्तर पर बंद हुआ था। इस गिरावट के चलते बाजार के ओवरऑल सेंटीमेंट को झटका लगा है। बाजार जानकारों का कहना है कि इस कमजोरी के माहौल में निफ्टी 17,150 के अगस्त महीने के अपने निचले स्तर को भी छू सकता है और अगर ये लेवल टूटता है तो आने वाले कारोबारी सत्रों में निफ्टी हमें 17,000 के मनोवैज्ञानिक लेवल के भी नीचे ज्यादा नजर आ सकता है। वहीं ऊपर की तरफ इसके लिए 17,700 से 17,800 पर रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। एंजल वन के सीनियर एनालिस्ट टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च ओशो कृष्ण का कहना है कि निफ्टी हमें अपना अहम सपोर्ट तोड़ता नजर आएगा। ऐसे में हमें अब नीचे की तरफ निफ्टी के 17,150 तक फिसलने की भी संभावना नजर आ रही है। निफ्टी के लिए इस समय 17,000 के मनोवैज्ञानिक लेवल पर सपोर्ट दिख रहा है। वहीं ऊपर की तरफ इसके लिए 17,500 पर पहला रेजिस्टेंस और 17,800 पर दूसरा बड़ा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। ऐसे में उनकी ट्रेडरों को सलाह है कि वो बहुत आक्रामक पोजीशन लेने से बचें और एक बार में एक कदम उठाने की सुरक्षात्मक रणनीति अपनाएं और ऊपर और नीचे दोनों तरफ के अहम लेवल पर नजर बनाए रखें। चलिए आपको बताते हैं आज के वो 10 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज जिनमें आने वाले 3 से 4 हफ्तों में आपको डबल डिजिट कमाई हो सकती है। रिलायंस सिक्योरिटीज के जितिन गोहिल की ट्रेडिंग टिप्स। डिविस लेबोरेटरी, इस स्टॉक में 340 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 469 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह होगी। 3 से 4 हफ्ते में इस स्टॉक में 12% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस स्टॉक में 579 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 486 रुपए के लक्ष्य के लिए बिकवाली की सलाह होगी। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 12% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। फेडरल बैंक, इस स्टॉक में 130 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 92 रुपए के लक्ष्य के लिए बिकवाली की सलाह है। 3 से 4 हफ्ते में इस स्टॉक में 21% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। आनंद राठी के जिगर एस पटेल की ट्रेडिंग टिप्स। रॉसरी बायोटेक, इस स्टॉक में 885 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1,050 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। आने वाले 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 12% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। एनएमडीसी, इस स्टॉक में 117 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 145 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। आने वाले 3 से 4 हफ्तों में इसमें 12% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। फाइजर, इस स्टॉक में 3,950 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 4,700 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्ते में इस स्टॉक में 12% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। 5paisa.com के रुचि जैन की ट्रेडिंग टिप्स। इस स्टॉक में 418 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 365 रुपए के लक्ष्य के लिए बिकवाली की सलाह होगी। 3 से 4 हफ्ते में इस स्टॉक में 8% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस स्टॉक में 665 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 605 रुपए के लक्ष्य के लिए एक बिकवाली की सलाह होगी। 3 से 4 हफ्ते में इस स्टॉक में 5% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान की ट्रेडिंग टिप्स। बजाज फिनजर्व, इस स्टॉक में 1790 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1570 रुपए के लक्ष्य के लिए बिकवाली करें। आने वाले 3 से 4 हफ्ते में इस स्टॉक में 9% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। जिंदल स्टील एंड पावर, इस स्टॉक में 440 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 390 रुपए के लक्ष्य के लिए बिकवाली की सलाह होगी। 3 से 4 हफ्ते में इस स्टॉक में 8% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। डिविस लेबोरेटरीज, इस स्टॉक में 3,540 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 3,850 रुपए के लक्ष्य के लिए बिकवाली की सलाह होगी। 3 से 4 हफ्ते में इस स्टॉक में 6% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।